पार्टी ने जो है अभी 21 लोगों की सूची जारी की है। हारे हुए दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने साइड लगाना शुरू कर दी। राजनीति का जो चरित्र होता है साम दाम दंड भेद करके जो है, तो वो तरीके की जो है उसने भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति अपनाई है। मतलब कद्दावर नेता को किनारे करके एक नए प्रत्याशी जमीन से जुड़े आदमी दिया है। केवल एक राम विचार नेताम जो है जो एक चुनाव हारे थे उनको जो है दोबारा मौका मिला है। अभी ओपी चौधरी आज के डेट में अच्छा खासा नाम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नाम है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में अभी सीएम के से लड़ाने के लिए कोई बड़ा फेस नहीं था। भूपेश बघेल जी जो है पूरे भेंट मुलाकात में जो है 90 विधानसभा घूमे हैं, तो 90 विधानसभा में वो पूरा तैयारी करके आए हैं कि उनको जो है ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब उनको विजय बघेल से जो है कांटे की टक्कर मिलेगी, तो वो अपने सीट से अब वो निकल नहीं पाएंगे, जो विधानसभा क्षेत्र इंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। ऐसा पहली बार हुआ कि आचार संहिता लगने के करीब 1.5 से 2 महीने पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है, इसमें बहुत बड़ी एक रणनीति है बीजेपी की, क्योंकि वो अब जो है सत्ता में वापस आना चाहती है। बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, इसके बाद कांग्रेस ने वो सत्ता बीजेपी के हाथों से छीन ली। अब कांग्रेस बीजेपी जो है एक बार फिर से सत्ता में हासिल करने के लिए एक नई रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है, और इसके लिए जो है उसने एक व्यापक रणनीति तैयार की है। उसी रणनीति के तहत ये बीजेपी की जो लिस्ट जो है 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी की गई है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी की है 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के मायने क्या है, इसमें कौन कौन से बीजेपी के संदेश छुपे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के सबसे सक्रिय पत्रकारों में से शामिल और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ रखने वाले संदीप दीवान जी। संदीप दीवान जी, तीरंदाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर आपको। जी, आप इस जो लिस्ट जारी की गई है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इसमें ऐसे कौन कौन से संदेश हैं जो बीजेपी ने इस लिस्ट में जनता को और कांग्रेस के दावेदारों को, सॉरी बीजेपी के दावेदारों को देने की कोशिश की है या प्रयास किया है। सर, अभी आपने कहा कुछ देर पहले जो है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति छुपी हुई है, वो एकदम सर्वथा सत्य है। सर, जो है भारतीय जनता पार्टी ने सर जो है आचार संहिता लगने के 2 महीने पहले ही जो है अपने 21 कैंडिडेट घोषित कर दिए। तो सर, 21 कैंडिडेट घोषित करके साथ उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो जो है कि हम इस बार जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा जो है किसी भी कीमत में हम जीतेंगे। सबसे खास बात सर इसमें यह रही जो है कि जो अभी 21 लोगों की जो सूची जारी हुई है, उन 21 लोगों में जो है पार्टी ने जो है सारे कैंडिडेट जो है नए उतारे हैं। उसने यह इन नामों को घोषणा करके जो है यह भी जता दिया है कि बोले पुराने जो कैंडिडेट, जो हारे हुए कैंडिडेट है, दिग्गज नेता जो है उनको जो है दोबारा मौका मिलना नहीं है। अभी और लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की अभी आएगी जो है, उनमें नाम रहेगा नहीं रहेगा ये भी संशय की स्थिति है दिग्गजों की जो है। अभी जितने नाम सर जो अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम घोषित किए हैं उसमें सारे कैंडिडेट नए हैं, केवल एक राम विचार नेताम जी को छोड़कर। राम विचार नेताम जी को लेने का कारण क्या हो सकता है? सर, राम विचार नेताम जी जो है पिछले 5 बार के विधायक रहे हैं, हालांकि एक बार जो है वो 2013 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी, उसके बाद वो चले गए थे राज्यसभा जो है, तो पिछले बार चुनाव लड़ नहीं पाए थे। लेकिन इस बार जो है वहां पर जो आपका रामरजवन जो है वहां लगातार जो है अभी पिछले 2 साल से जो है कांग्रेस पार्टी का जो है MLA है, और काफी जो जीत हार का अंतर भी जो है काफी ज्यादा है। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति अपनाई है कि बोले जो हम जहां जहां सीट हम हारते जा रहे हैं, जो सीट पे हमारी पकड़ भी कमजोर है, तो क्यों ना इन सीटों को फोकस किया जाए।
तो पार्टी ने जो ऐसी सीटों का एक सर्वे कराया, सर्वे करवाने के बाद जो सीटों का जो है विश्लेषण निकाला, तो उसमें कुछ ऐसे सीटें निकली जिसमें दो बार, तीन बार और कई जगह चार जगह जो है कांग्रेस की सरकार, मतलब पहले से कांग्रेस के विधायक हैं, तीन तीन चार चार बार कांग्रेस के विधायक तो विधायक है, तो उनपे उन पर जो है सर फोकस करके जो है पार्टी ने जो है अभी 21 लोगों की सूची जारी की है। अभी हो सके तो आने वाले सप्ताह भर में या 15 दिन पखवाड़े भर में जो है एक सूची फिर आने की बातें राजनीतिक प्रेक्षक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो 21 जो दावेदार या प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, ये क्या वही प्रत्याशी हैं ये उन विधानसभा सीटों के प्रत्याशी हैं जहां कांग्रेस जो है पिछले चुनाव तो जीती उसके पहले एक और पिछले चुनाव को भी जीती हुई थी? हाँ, यानी करीब 10 साल से बीजेपी उन सीटों पर जीत हासिल नहीं दर्ज कर पाई है। नहीं सर, इसमें सर बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें जो है पिछले चुनाव, उसके पिछले चुनाव और उसके पिछले और दो चुनाव, अच्छा, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, आपका जो है ये आपका जो है जैसे एक मानपुर मोहला सीट है। मानपुर मोहला सीट सर बहुत, हालांकि जो है नक्सलाइट बेल्ट सीट है, ये महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ सीट है, तो यहाँ पर पिछले चार बार से कांग्रेस का कब्जा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अभी जो कैंडिडेट घोषित किए हैं तो उसमें नए जो कैंडिडेट उनको मौका मिला है। हर बार हालांकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रत्याशी को बदलती रहती है, तो दो बार हालांकि वहां से राजेंद्र पाल सिंह भाटिया जी थे वो जो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं उनके जो है, तो वो उनको मौका मिला था तो वो एक बार चुनाव जीते थे। बाकी चार बार से अभी जो है कुछ विधानसभा में जो है कांग्रेस का कब्जा है, तो यहाँ तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता से पहले ही जो है पार्टी की घोषणा कर दी, प्रत्याशी घोषणा कर दी, ताकि जो है वहां काम करने का मौका मिले। एक सर इसमें मैसेज में सर ये गया है, 21 लोगों की जो सूची जारी हुई है, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि पार्टी ने इतने पहले जो है क्यों टिकट जारी कर दिया करके जो है, तो सर उसके पीछे एक मैसेज भी है सर जो है। क्या होता था कि आचार संहिता लगती थी, उसके बाद काफी लंबी जद्दोजहद के बाद पार्टी के नाम मिलते थे, उसके बाद उसमें छटनी होती थी, छटनी होने के बाद कुछ नाम आता आए, फिर उसमें घोषणा होती थी, तो चुनाव के लिए सर लड़ने के लिए प्रत्याशी का समय भी नहीं बचता था। और इस बीच जो है विद्रोह की स्थिति भी बनती थी, पार्टी के कुछ लोग जो है मतलब पार्टी लाइन से हट करके जो है वो चुनाव में कूद जाते थे, तो इससे जो है पार्टी कैंडिडेट को नुकसान भी होता था। तो उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है इस बार पार्टी ने एक नया रणनीति तैयार किया है कि अगर कोई कैंडिडेट को जो है नापसंद करे या उसके विद्रोह विरोध में काम करे या खुद स्वतंत्र चुनाव लड़ ले, तो ऐसे डैमेज जो फैक्टर है उसको अपन जो है उसको समय रहते कर लिया जाए, इसीलिए पहले सूची जारी की है। ठीक है, अब रहा सवाल सर जैसे अभी नए नए जो जो पार्टी जिसने आज जो है घोषित की है प्रत्याशी जो है, तो देखिए जैसे प्रेम नगर सीट है जो है, तो प्रेम नगर सीट सर जो है यहाँ पर जो है बुलंद सिंह मरावी जी को टिकट दिया गया है। बुलंद सिंह मरावी जो है अभी एक टोटल नया नाम है, मतलब इतना मतलब हाई प्रोफाइल नाम भी नहीं है कि लोग उसके नाम पे चर्चा करें, क्योंकि ये जो है बुलंद सिंह मरावी जो है एक ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच प्रतिनिधि सरपंच रहे हैं जो है। अच्छा, और लंबे समय तक सरपंच थे जो है, अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। तो पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दे करके और जो वहां पर जो पूर्व जो कैंडिडेट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको भी मौका नहीं दिया गया है, मतलब कद्दावर नेता को किनारे करके एक नए प्रत्याशी जमीन से जुड़े आदमी दिया है, प्रत्याशी व्यक्ति को वोट दिया। हाँ जी जी, तो सर जो ग्राम पंचायत जो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि जो आते हैं, हालांकि सर वो जो है बड़ी छवि के तो नहीं कहते हैं, लेकिन एक सर राजनीति में कहते भी है ना सर, कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, वो तो जब टिकट मिल जाए चुनाव जीत जाए तब बड़ा होता है, तब बड़ा होता है। तो वैसी जो है अभी बुलंद सिंह मरावी कोई बड़ी पृष्ठभूमि की नहीं है, और वो एक सरपंच चुनाव से बहुत लंबे समय तक सरपंच रहे अपने गाँव के जो है, और अभी जो है वर्तमान में जो है वो जिला पंचायत के सदस्य है, तो उनको पार्टी ने टिकट दिया है, वो पिछले 2015 से जिला पंचायत सदस्य भी है वर्तमान में। अच्छा, ऐसे कितने दिग्गज हैं जिनको इस लिस्ट में किनारे किया गया है? सर इसमें तो मतलब बहुत सारे दिग्गज है, किसी दिग्गज का नाम ही नहीं है इसमें तो सर जो है, केवल एक राम विचार नेताम जो है जो एक चुनाव हारे थे उनको जो है दोबारा मौका मिला है, दोबारा भरोसा किया गया। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से दिग्गज है जिनकी ये सीटें थी उनको हटा दिया है? जैसे सर एक आपकी जो है एक महत्वपूर्ण सीट है जो है खरसिया सीट जो है, जो ये खरसिया सीट सर आपका आपका नंद कुमार पटेल जो पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीसीसी चीफ थे, वो हाई प्रोफाइल सीट है, और उसके पहले जो है आपके जो है वो झेरम घाटी जो घटनाकांड हुआ था जो है झेरम घाटी जो है जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को जो है शहादत हुई थी, तो
उस सीट पर जो है पिछले बार जो है उनके बेटे उमेश पटेल को जो टिकट दिया गया, अभी वर्तमान में वो शिक्षा मंत्री है। तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक, आपको सर याद होगा, एक कलेक्टर हुआ करते थे ओपी चौधरी हाँ, जिन्होंने जो है कलेक्ट्री छोड़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली जी जी। और उसके बाद जो है सदस्यता लेने के साथ ही उनको पहली बार जो है चुनाव लड़ने का मौका मिला खरसिया सीट से, खरसिया सीट। तो इस बार सर लिस्ट जो जारी हुआ है खरसिया सीट में महेश कुमार को टिकट दिया गया है, मतलब ओपी चौधरी आउट हो गए हैं सर। अभी ओपी चौधरी आज के डेट में अच्छा खासा नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ा नाम है अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में। हो सकता है इनको किसी और सीट से लाया जाए, लेकिन इस सीट पर ये अप्रोप्रिएट नहीं लगे बीजेपी को। सर उनकी तैयारी तो इस सीट पर थी सर। अच्छा, उनकी तैयारी जो है काफी लंबे समय से खरसिया सीट को लेकर चल रही थी, क्योंकि वो पूरा आश्वस्त थे कि उनको टिकट मिलेगा यहाँ से करके जो है, लेकिन टिकट काट दिया गया है। तो सर आगे वाले जो लिस्ट जो आने भविष्य में जो और लिस्ट आने हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, उसमें नाम होगा ये मतलब अपन अभी से नहीं बोल सकते जो है नाम, क्योंकि जितने सारे सीट जो डिक्लेयर किया गया भाजपा तरफ से जो है उसमें सर सारे जो पूर्व विधायक जो चुनाव हार चुके हैं उनको तक टिकट मतलब। अच्छा, एक इसमें राठिया परिवार भी है जो इसको लंबे समय तक बीजेपी। हाँ, आपने अच्छा कहा सर, राठिया परिवार करके जो है। तो सर ये जो है ना सर, ये आपका राठिया परिवार वाला जो धर्म जयगढ़ सर ये सीट है जो है, इसकी बात कर रहे हैं आप संभवतः, मैं समझता हूँ। यहाँ सर जो है चूंकि राठिया परिवारों का जो है दबदबा बाहुल है और दबदबा भी है, तो पिछले बार तभी यहाँ पर हर कांग्रेस का ही कब्जा है, और पिछले बार चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी काफी बड़े अंतर से यहाँ चुनाव हारी थी। तो यहाँ से राठिया को ही टिकट दिया गया है, लेकिन सर उसमें नाम बदल दिया गया है। अब कुल मिलाकर के जो दिग्गज नेता थे राठिया, जिनको लगातार उनको हटा दिया, जो मिल रही थी उनको हटा दिया, लेकिन दूसरे राठिया को दे दिया, एक सामान्य जो परिवार का जो आदमी है उसको टिकट दे दिया गया है, दिया राठी को, लेकिन चेहरा बदल दिया। हाँ, चेहरा बदल दिया गया है सर। भारतीय जनता पार्टी के इस 21 लोगों की सूची में सबसे सर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतापपुर जो सीट है वहां पर जो है इस बार नया कैंडिडेट खड़ा किया गया है शकुंतला सिंह पोर्ते, वो भी कोई बड़ी मतलब प्रचलित नाम नहीं है छत्तीसगढ़ में जो, हालांकि वो एक बार जिला पंचायत के सदस्य रह चुकी हैं और एक प्रखर नेत्री के रूप में उसकी पहचान है क्षेत्र में, वो अधिवक्ता के रूप में जानी जाती है। उस सीट की सबसे खास बात यह है कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा तक का टिकट काट दिया है। अच्छा, ये पहले राम सेवक पैकरा की सीट रही है सर। ये सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है अभी हाल ही में जो है जो शिक्षा मंत्री थे प्रेम साय सिंह, जिनको अभी 2 महीने पहले ही जो है मंत्रिमंडल से हटाया गया है, और उनको कांग्रेस सरकार ने अभी मंत्रिमंडल से हटाया उनको जो है, तो वो वही सीट है जहां पर जो है पिछले 2018 के चुनाव में प्रेम साय सिंह और राम सेवक पैकरा जो है चुनाव मैदान में थे, प्रेम साय सिंह जी जीते और राम सेवक पैकरा हार गए थे। राम सेवक पैकरा जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है गृह मंत्री रह चुके हैं। अच्छा, उनका भी टिकट पार्टी ने काट दिया है। कुल मिलाकर के बड़े बड़े दिग्गजों को इधर साफ कर दिया। आदिवासी चेहरे में जो है राम सेवक पैकरा की छवि भी अच्छी है और दिग्गज नेता भी माने जाते, बड़ा चेहरा माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेताओं, उनका भी टिकट काट दिया है। अच्छा, इसमें और कुछ नई चीजें आपको दिख रही है कि इसमें और कोई क्या संदेश छुपा हो सकता है? संदेश तो सर बहुत गहरा है, और गहरा संदेश तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है किसी भी जो है पुराने कैंडिडेट, खासकर जो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उनको टिकट नहीं देगी। टिकट देने के मूड में नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, देगी नहीं या फिर नहीं देना चाहती है, जो भी है। और इस जो अभी नया जो 21 लोगों की जो सूची जारी हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ जो है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसे बात नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा मतलब व्यक्तिगत जो आकलन है वो तो यही कहता है कि लिस्ट देख करके जो है कि बोले दिग्गज नेताओं को जो है हारे हुए दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने साइड लगाना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक चीज और इसमें लिस्ट में दिख रही है कि सबसे जो चर्चा का विषय है कि जो विधानसभा क्षेत्र है पाटन, जो कि दुर्ग जिले में आता है, यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है ये कांग्रेस से, वो पिछली बार वहीं से चुनाव लड़ करके आए और मुख्यमंत्री बने। आज उसी सीट पर जो है विजय बघेल जी को
कांग्रेस बीजेपी ने टिकट दिया है, और विजय बघेल जी उनके सीएम साहब के भतीजे भी हैं रिश्ते में, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों को आमने सामने करने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की? अब जहां तक मैं समझता हूं, जो है मेरा जो राजनीतिक जो कौशल है, मेरी जो पत्रकारिता है, जो मेरा स्तर है, जहां तक मैं सोचता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में अभी सीएम के से लड़ाने के लिए कोई बड़ा फेस नहीं था। अच्छा, चूंकि जो है विजय बघेल जो है छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा सीट से इससे पहले भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, और एक बार नहीं तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार विधायक भी बने हो और विधायक बनने के बाद सदस्य भी रहे हैं। एक बार जब वो कांग्रेस पार्टी में ही थे जो है, तो उनको जो है टिकट नहीं दिया गया था कांग्रेस में, विजय बघेल तब उनको टिकट नहीं दिया गया था, तो तब वो जो है पहली बार चुनाव लड़े थे नगर पालिका परिषद पिलाई 3 चरोदा का, जिसमें उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो है दोनों जो नेताओं को जो है उसने काटे की टक्कर दी, और निर्दलीय जो है उसने जो है पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पे कब्जा जमा लिया। तो ये उनका शुरुआती दौर था जो कुल मिलाकर के विजय बघेल को छोटा नेता नहीं मान रहा है, उसके तो सब भूल है। अभी जो है विजय बघेल जो है उसके मुकाबले जो है दुर्ग जिला में और छत्तीसगढ़ में जो है अभी बड़ा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। हाँ, अब चूंकि सर सामने वाला अभी विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चेहरा है, तो भूपेश बघेल जी जो है पूरे भेंट मुलाकात में जो है 90 विधानसभा घूमे हैं, तो 90 विधानसभा में वो पूरा तैयारी करके आए हैं कि उनको जो है ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब उनको विजय बघेल से जो है कांटे की टक्कर मिलेगी, तो वो अपने सीट से अब वो निकल नहीं पाएंगे, जो विधानसभा क्षेत्र इंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि उसको व्यस्त रखा जाए, सीएम भूपेश बघेल को उनकी विधानसभा क्षेत्र में सीमित कर दिया जाए तो जो है दूसरे विधानसभा में जो है हमको जो है मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमारे जो कैंडिडेट रहेंगे उनको थोड़ा सा लाभ मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में सीएम भूपेश बघेल बड़ा चेहरा है कांग्रेस का जो है, और छत्तीसगढ़ में सर्वमान्य नेता है, छत्तीसगढ़ के बाहर भी सर्वमान्य नेता है, तो उनको जो है टक्कर देने के लिए, पटखनी देने के लिए कैसी भी करके, राजनीति का जो चरित्र होता है साम दाम दंड भेद करके जो है, तो उस तरीके की जो है उसने भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति अपनाई है ताकि सीएम को जो है उनके क्षेत्र में एंगेज किया जाए। सबसे बड़ी खास बात इसमें यह भी है कि विजय बघेल जो है 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो हर बार उसका जीत का अंतर, जब पहली बार उसने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, तो उस समय भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो टिकट पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनको टक्कर दी थी उन्होंने जो है। सेकंड बार जो है जब चुनाव लड़े तो उन्होंने खुद वर्तमान के जो सीएम भूपेश बघेल जी हैं उनको चुनाव हराया था, और चुनाव हराने के बाद संसदीय सचिव बने, फिर एक चुनाव में जो है उनसे फिर हार गए जो है। तो वहां पर जो है भूपेश बघेल के विरुद्ध विजय बघेल कोई नया चेहरा भी नहीं है ना, अभी वर्तमान में सांसद भी है, तो अभी दुर्ग जिले में तो उसका आना जाना तो पूरा घूमना लगा ही है, तो उसके समर्थक भी हैं। आपका बिलाई 3 चरोदा जो है, जो पालिका क्षेत्र जो है वर्तमान में अभी नगर निगम बन गया है, तो उसमें भी उनके समर्थक है, तो समर्थकों की कमी नहीं है उनके पास जो है, उनके पास काम करने के लिए बड़ा बैकग्राउंड है, और उनके लोग भी जो है बहुत पहले से सक्रिय हो चुके हैं। ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी जो है पाटन विधानसभा में विजय बघेल के अलावा किसी दूसरे को नहीं उतारेगी, ये पहले से तय था। हाँ, ये तो चर्चा पहले से भी थी, कयास भी लगाए जा रहे थे, लोग ये मान रहे थे, और आज जब लिस्ट जारी हुई, भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई, तो आपने नाम देख भी लिया है, तो चर्चाएं जो बाजार में थी, जो है जो मार्केट में थी, वो सत्य साबित हुई है। अच्छा, ये क्या ऐसा हो सकता है कि सीएम भूपेश बघेल अपनी सीट बदल सकते हैं या किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं? अभी राजनीति में तो फिर फिलहाल कुछ कहा सकता नहीं है, लेकिन जो राजनीति जो लोग दिग्गज लोग हैं वो अब ये कहने लग गए हैं कि हो सकता है कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि सीएम के भरोसे जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की नौबत फिर से लानी है, सीएम जो है भूपेश बघेल की चेहरे पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अगर सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा में व्यस्त हो जाएंगे, एक क्षेत्र में सीमित हो जाएंगे, तो दूसरे विधानसभा का क्या होगा? तो हो सकता है कि सीएम साहब को इंगेज नहीं करने के लिए उनको दूसरा विधानसभा भी चयन करना पड़ सकता है, दो एक दो नाम चल भी रहे हैं,
जैसे वो एक नाम जो है आपके दुर्ग जिले का वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है, एक नाम जो है आपका जो अभी नया जिला बना है खैरागढ़ जो है उनका नाम की चर्चा है। तो हो सकता है मे बी पॉसिबल राजनीति है, कुछ भी संभव है। तो इससे तो बीजेपी को मौका मिलेगा कहने के लिए कि भाई अपनी सीट छोड़ करके और दूसरी जगह जा रहे हैं, भरोसा नहीं है। नहीं, लेकिन सर, लेकिन जो है रणनीति ये कहती है कि बदलना पड़ सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की अपन बात करें जो है वैशाली नगर सीट पर जो है, तो वैशाली नगर सीट पर अगर सीएम साहब अगर भूपेश बघेल लड़ते भी हैं चुनाव जो है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा चेहरा है उनके खिलाफ उतारने के लिए। और उनको भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री भी है वो जो है सरोज पांडे, तो उनको अगर मौका दिया जाए जो है तो घाटे की टक्कर हो सकती है, इधर भी घाटे की टक्कर हो सकती है। क्योंकि वैशाली नगर क्षेत्र से जो है सरोज पांडे जी जो है पहले विधायक रह चुकी हैं, उसके बाद वो सांसद बनी है। एक समय में जो है सरोज पांडे के मतलब जो है महापौर, विधायक और सांसद तीनों रहने का रिकॉर्ड है, उसमें एक वैशाली नगर विधानसभा सीट भी है। तो कुल मिलाकर की जो सूची है ये दर्शाती है कि बीजेपी की बड़ी रणनीति इस विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी सीटें जहां पर जो है दिग्गजों का टिकट काट करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने नए नवेले चेहरों का मौका दिया है। उसमें जो है एक जो है आपका धर्मजयगढ़ सीट है, कोरबा जो है आपका नई सीट है, कोरबा भी जो है इसमें जो है पिछले चार बार से जय सिंह अग्रवाल जी का जो है मंत्री है, वहां से जो है विधायक है और अभी वर्तमान में मंत्री है, तो कांग्रेस की परंपरा का सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी जो है मतलब नए चेहरों को ही मौका दिया। सबसे खास बात रही कि मरवाही जो विधानसभा सीट है, ये पूर्व मुख्यमंत्री जो है अजीत जोगी जो है वहां से चुनाव लड़े थे, वहां से विधायक रहे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बने। अभी JCCJ का ही कब्जा था, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का ही इस पर कब्जा रहा है। अभी बीच में बाई इलेक्शन हुआ अजीत जोगी की मृत्यु के बाद, तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है टिकट दिया जिसको हरिवल्लभ शुक्ला जी कर वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। अभी वर्तमान में नई सूची जो आई है 21 लोगों की जो वर्तमान में नई सूची आई है, उसमें मरवाही से जो है तो वहां पर से एक नया चेहरा आपको वहां पर देखने को मिलेगा जो है प्रणव कुमार मरपच्ची। अच्छा, प्रणव कुमार मरपच्ची के बारे में बताया जाता है कि ये जो है गांव के वर्तमान में सरपंच है। हालांकि वो बताते हैं उनके बारे में कि वो पहले आर्मी से भी जुड़े रहे हैं, तो आर्मी से रिटायर होने के बाद जो है खत्म सेवा समाप्त होने के बाद वो गांव में आकर बसे और रौनक कुमार मरपच्ची जो है सरपंच की भूमिका में भी गांव में है वर्तमान में, और उनकी छवि भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। और किसका इसके अलावा सर आपका राजिम विधानसभा क्षेत्र जो है ये भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। राजिम विधानसभा जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक है अमितेश शुक्ला जी, यहाँ से विधायक है। यह सीट जो है पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ला, यानी कि अभिभाजित मध्य प्रदेश के समय की बात कर रहा हूँ मैं, तो श्यामा चरण शुक्ला परिवार की ही सीट ही रही है। तो यहाँ पर जो है श्यामा चरण शुक्ला के जो भी पुत्र हैं अमितेश शुक्ल जो है वो उनके बेटे अभी यहाँ पर है, कांग्रेस से हैं। यहाँ पहले पूर्व विधायक थे संतोष उपाध्याय, तो उनका जो टिकट वो पिछले बार चुनाव हार गए थे, उससे पहले में थे वो विधायक, उनका भी टिकट काट दिया गया, उनको भी दोबारा मौका नहीं मिला। हर दोबारा मौका मिला था पिछले विधानसभा में मिला था, लेकिन इस बार उसको मौका नहीं मिला। वहां पर रोहित साहू करके नया प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा दिया। सिहावा जो है, सिहावा भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहाँ पर पिंकी शिवराज शाह करके जो है पूर्व विधायक रही हैं, दो बार की विधायक है, उनका भी नाम काट दिया गया है। यहाँ श्रवण मरकाम को टिकट दिया गया है, ये भी नया चेहरा है। आपका डोंडी लोहारा जो क्षेत्र है ये भी जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पर जो है नीलिमा टेकाम और लाल महेंद्र सिंह टेकाम जो है तो ये विधायक रहे हैं, उनका भी टिकट इस बार काट दिया गया है। पाटन विधानसभा तो पूरा हाई प्रोफाइल सीट हो गया है आज की डेट में जो है, और आपका खुज्जी विधानसभा क्षेत्र जो है तो खुज्जी में भी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की हार होती रही है, कांग्रेस की वहाँ जीत होती रही है, तो वहाँ पर जो है पूर्व जो विधायक कोमल जंगहिल जो है उनको भी किनारे कर दिया गया है जो है, और खैरागढ़ से भी उनको लड़ाया भी गया था जो है, तो फैक्टर खत्म हो चुका है। कांकेर से भी जो है जो पुराने कांग्रेस के जो कंटिन्यू उनका सीट ही बना हुआ है कांग्रेस जो है, कांग्रेस की लगातार जीत हो रही है कांकेर में जो है, तो वहां पर भी जो है प्रत्याशी को ध्यान में रख करके
पार्टी ने टिकट बदल दिया वहां पर जो है। कांकेर में किसकी लगातार हार, किसकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की लगातार कांकेर में हार हो रही है, तो इसलिए वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी को बदल दिया है। वहां पर हीरा मरकाम जी, संजय कोड़ोपी जी, सुमित्रा मारकोरे जी, बड़े बड़े नाम है, तो उनका टिकट से किसी को टिकट नहीं दिया, किसी बड़े नाम को टिकट ना देकर यहाँ भी नया चेहरा, एकदम हाँ सिंपल नाम को टिकट, मतलब एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। यहाँ से अभी वर्तमान में शिशुपाल सोरी जी विधायक है। कुल मिलाकर एक है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई नेता बीजेपी का लंबे समय से सक्रिय है लेकिन सफलता नहीं दिला पा रहा है, तो उनको भी बीजेपी ने अब साइडलाइन करके नए चेहरे पर दाव लगाया। अभनपुर विधानसभा भी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, यहाँ पर जो है एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी की मतलब एमएलए विधायक आते रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर दो बार के जो मंत्री रह चुके हैं आपके, चंद्रशेखर साहू जी जो कृषि मंत्री भी रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो है, उनका तक टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। नया चेहरा ही मौका दिया गया। कुल मिलाकर लगभग लगभग चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने इस मतलब 21 लोगों की सूची जारी करके यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अब जो है पार्टी जो है किसी चेहरे को ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको ही जो है मौका दिया जाएगा। और खास बात इस सूची की एक यह भी है कि पार्टी ने जो है जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जो है मौका दिया है। तो हर बार पार्टी पर आक्षेप लगते थे, आरोप लगते थे कि बोले उसको मौका मिला, इसको मौका मिला, हमको मौका नहीं मिला, तो उससे विद्रोह की स्थिति होती थी। पार्टी ने बहुत सारी जगहों पर जो है एक जमीनी कार्यकर्ताओं को जो है ऊपर उठाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है इसमें सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने युवाओं को भी मौका दिया है। उसमें से एक सीट है भटगांव, भटगांव में लक्ष्मी रजवाड़े को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लक्ष्मी रजवाड़े की उम्र मुश्किल से अभी 30 साल की होगी, वो जो है अभी वर्तमान में वो जिला पंचायत के सदस्य है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो ये कम समय में ही जो है लक्ष्मी रजवाड़े ने मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सदस्य अच्छा मुकाम पाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भरोसा भी जताया और टिकट भी दिया है। मैं समझता हूँ युवाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर विचार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जो आई है, एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो धाकड़ नेता हुआ करते थे, जिसको लोग जो है बोलते थे कि इनको ही टिकट मिलेगा, इनको टिकट मिलेगा, इनको टिकट नहीं मिलेगा, जो राज्य जिनको तय माना जाता है माना टिकट मिलेगा ही, तो यही चुनाव लड़ेंगे, दूसरा तो मौका मिलने वाला नहीं है करके, तो इस बार धारणा को तोड़ने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची के माध्यम से यह संदेश भी दे दिया है कि हमको तो केवल जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, किसे पिटे वही पुराने चेहरे तो नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीरंदाज से जुड़े और बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसे ही और भी बहुत सारी जानकारियां चुनाव से संबंधित हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जैसे जैसे दोनों पार्टियों की सूचियां आएंगी उस पर भी हम आपको अवलोकन कराएंगे, हमारे एक्सपर्ट से उसका विश्लेषण करा के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और विधानसभा चुनाव चूंकि अब नज़दीक है, सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी नई नई खबरें और नए नए तरीके और नई नई रणनीतियाँ आपके सामने राजनीतिक दल पेश करेंगे, उनको हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए तीरंदाज़।